बनाएंगी मैदे की कचौरी, वो भी मूंग दाल की। ठीक है, मूंग दाल की कचौरी सबको पसंद होती है और ये काफी टाइम अच्छे से चल भी जाती है। तो हम बनाएंगे मूंग दाल की कचौरी, जिसके लिए हमें क्या चाहिए, ये मैंने 2 कप मैंने मैदा ली है। मैंने इस वाले कप से नापी है, आपके पास जो कप हो आप उससे नाप लीजिए। तो 2 कप मैंने ये मैदा ली है। हम इसमें 1/4 कप ऑयल डालेंगे ओयन के लिए। देखिए ये 1/4 कप मैंने ऑयल ले लिया, ये हम ऑयल डालेंगे। मोयन इसमें अच्छा होना चाहिए और ये टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक डालेंगे। अब हम इसका सॉफ्ट आटा गूंथ लेंगे, जैसे हम रोटी का बनाते हैं ना वैसा। ठीक है, ये देखिए। और आप अपनी मूंग की दाल को, पीली वाली जो मूंग दाल आती है ना, उसकी कचौरियाँ बना रहे हैं, तो आप मूंग दाल को 1.5 या 2 घंटे, कम से कम 2 घंटे तक भिगो ही दें। भिगोने के बाद उसको मिक्सी में सूखा, बिना पानी के, पानी नहीं डालना आपको, और दरदरा आप उसको मिक्सी में पीस लेंगे। ये देखिए ये बन रहा है ना, तो हमारा मोयन परफेक्ट है। अब हम इसका आटा लगा लेते हैं। देखिए हमें इसका आटा सख्त नहीं लगाना, सॉफ्ट ही लगाना है और इसको ज्यादा मलना नहीं है, हमें आपको बस इकट्ठा करना है। बस इस तरह से हमें इसको इकट्ठा करना है, मसलना नहीं है। जैसे हम नॉर्मली आटा मसलते हैं ना, मसल के चिकना करते हैं, वो नहीं करना हमें इसको। देखिए ये हमारा आटा लग गया है, बस जस्ट हमने ये इकट्ठा किया है, मला नहीं है। अब हम इस आटे को 15 से 20 मिनट या आधा घंटे के लिए ढककर रख देंगे, जिससे ये सेट हो जाएगा। ठीक है, तब तक हम अपना मसाला बना लेते हैं दाल में भरने के लिए। देखिए हमारे भरावन के लिए, स्टफिंग के लिए ये पीली मूंग दाल मैंने 2 घंटे भिगो दी थी, अब मैंने ये दरदरी पीस ली है। ठीक है, आधा कप ये मूंग की दाल थी और भिगो के मैंने मोटा मोटा इसको पीस लिया है बिना पानी के। ठीक है, और ये बारीक कटी हरी मिर्ची है, ये थोड़ी सी कद्दूकस की हुई अदरक है। ठीक है, अब हम ऑयल में पहले जीरा डालेंगे आधी छोटी चम्मच, फिर एक चुटकी हम हींग डालेंगे। हींग डालने के बाद हम इसमें डालेंगे ये कद्दूकस अदरक और ये बारीक कटी हरी मिर्च, हम इसमें दाल डाल देंगे। अब दाल डालने के बाद आंच धीमी करके हम इसको अच्छे से भूनेंगे। इसमें हम सारे मसाले भी डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, हम इसमें नमक डाल देंगे। हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, सौंफ का पाउडर 1 बड़ी चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला 1/4 छोटी चम्मच, अब इसको खूब अच्छे से भूनेंगे, एकदम खिला हुआ पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए इसमें। मीडियम आंच पे हम इसको भूनेंगे।
थोड़ी सी अमचूर पाउडर डालेंगे, यानी कि खटाई चौथाई छोटी चम्मच, ज़्यादा नहीं डालना बस। देखिए पानी सूख गया है ना हमारी दाल का, खूब अच्छे से खुशबू आने लग जाए ना इसकी, तब तक हमें इसे भूनना है। हमारी भुन गई है खूब अच्छे से, एकदम खिल गई है और खुशबू भी आने लगी है अच्छी सी। अब हम इसको बंद कर देंगे और ठंडा करेंगे। ये देखिए ये हमारा बराबर ठंडा हो गया और ऑयल भी मैंने रख दिया है गरम करने। अब तक हम अपनी लोइयां भर लेते हैं। ये देखिए अब हम लोई भर लेंगे। जितनी बड़ी आपको कचौरियाँ बनानी है ना, आप उतनी बड़ी बड़ी लोइयाँ तोड़ लें, मैं थोड़ी छोटी बनाऊंगी, ठीक है? तो इसलिए मैं थोड़ी छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ रही हूँ। अगर आपको बड़ी पसंद है तो आप नॉर्मल वो हलवाई स्टाइल में बड़ी बड़ी भी बना सकते हैं, पर मुझे बाजार वाली जो आती है ना मिनी ड्राई वाली समोसे कचौरी, वो पसंद है, तो इसलिए मैं ड्राई बना रही हूँ। और इस तरह से हाथों से फैला के इसमें हम बराबर भरेंगे अपनी स्टफिंग अच्छे से। ये देखिए अब इसको अच्छे से ऐसे बंद करेंगे और इस तरह से करके ऐसे बस। और हमको इसको ज़्यादा बेलना नहीं है, बस हाथ से आप इसको ऐसे कर दें। ये देखिए बस इस तरह से हम एक और बनाते हैं। ये देखिए दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए ये भर गया, अच्छे से इसको बंद करें और इसको ऐसे घुमा दें आप और हाथों से थोड़ा सा पुश कर दें। अगर आपका हाथों से पुश ना हो तो आप बेलन, चकला बेलन से बेल सकते हैं, पर ज़्यादा पतला ना बेलें बस। ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो गया है, ज़्यादा गर्म ऑयल में हमें इनको नहीं सेकना। ये देखिए ठीक है, हमारा ऑयल थोड़ा सा और गर्म हो जाए तब हम अपनी कचौरियाँ डाल देंगे तलने के लिए। ये इस तरह से हम सारी भर लेंगे। ये देखिए हमारा ऑयल गर्म हो गया, अब हम इनको डाल देंगे। बस आप इन कचौरियों को अच्छे से स्टोर करके खूब खा सकते हैं, काफ़ी दिनों तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं, चाय के साथ या चटनी के साथ मज़े लीजिए। देखिए हमारी कचौरी फूल रही है, थोड़ा सा ऐसे ऐसे इनको हिलाते रहें तो ये अपने आप फूल जाती है।
हमारी कचौड़ियाँ एकदम सिक गई हैं, एकदम करारी। अब हम इनको निकाल लेते हैं। ये देखिए इसी तरह से हम सारी कचौड़ियाँ तल लेंगे। ये देखिए हमारी कचौड़ी कितनी अच्छी बनी है, और ये देखिए इसका करारापन, ये देखिए।